अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्रिस्पी पोटैटो डोनट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। उसके लिए मैंने 1 kg पोटैटोज़ को बॉईल करके मैश करके एंड ठंडा कर लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी एक मीडियम साइज का अनियन चॉप करके और एक ग्रीन चिली चॉप करके। अगर आप लोग बच्चों को नहीं देना चाहते तो आप लोग स्किप कर लीजिए। 2 tablespoons कोरिएंडर लीव्स, 2 tablespoons में इसमें डाला है कॉर्नफ्लोर, सॉल्ट टू टेस्ट, चिली पाउडर 1/2 teaspoon, चाट मसाला 1/2 teaspoon, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 teaspoon एंड टर्मरिक पाउडर 1/4 teaspoon। इसमें डालूंगी मैं 1 अदद अंडा। और रेसिपी की फुल क्वांटिटी की डिटेल एंड रेसिपी आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, मैं वहाँ पे सब कुछ डिटेल से लिख दूंगी। 1/4 cup मैंने इसमें डाला ब्रेड क्रम्स और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक डो की फॉर्म में ले आएंगे। हम लोगों ने इसको लिक्विडी डो नहीं रखना, एक ये हार्डली डो की शेप में होना चाहिए। ये देखें, अगर आप लोगों की डो थोड़ी नरम हो तो आप लोग ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल मज़ीद कर। और ये देखिए व्यूवर्स, हमारी जो डो अभी रेडी है। अब मैंने एक टिक्की की शेप की जो है फिलिंग ले ली है और इसमें मैं अपनी फिंगर की मदद से होल्ड करूँगी और इसकी डोनट की शेप दे लूँगी। अगर आप लोग के पास डोनट कटर है तो आप लोग डोनट के साथ भी डोनट की शेप दे सकते हैं, बट मैं इसको एज इट इज़ ही डोनट की शेप दूँगी और इसको अंडे में डिप करूँगी एंड ब्रेड क्रम्स लगा के इसी तरह से मैं अपने सारे डोनट जो हैं वो रेडी कर सकती हूँ। अगर आप लोग अंडा नहीं लगाना चाहते तो आप लोग इसको मैदे की सलाड में भी डिप कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को पसंद होती है। देखिए मैंने इसको अंडा लगा लिया है, अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स लगाऊंगी और इसको इस तरह से रेडी कर लूँगी। मैं अपने सारे डोनट जो हैं वो इसी तरह से रेडी कर लूँगी। आप इसमें से बैटर के साथ मैक्सिमम 20 डोनट्स जो है वो रेडी कर लेंगे। और ये देखिए डोनट रेडी होने के बाद आप लोग इनको एज इट इज़ फ्रीज कर सकते हैं। एक डोनट रखा, उसके ऊपर बटर पेपर रखा एंड ट्रे में इसी तरह से लेयर लगा कर आप लोग इसको 9 months के लिए फ्रीजर में फ्रीज कर सकते हैं। और अब मैंने इसको गर्म ऑयल में मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम लोग इनको निकालेंगे। आप लोग इनको केचप, चटनी, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, हाई टी में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।